बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं आपका होस्ट माजिद मकसूद यूनाइटेड टीवी के प्रोग्राम सियासी बैठक के साथ। आज हमारा ये तीसरा प्रोग्राम है और तीसरे प्रोग्राम में हम सिंध की सियासी गुफ्तगू पे बात करेंगे। हम लोगों ने पिछले प्रोग्राम में गुफ्तगू की थी, हमने बात की थी जो सिंध में जब पाकिस्तान में इनफैक्ट जब वन यूनिट लगा था और सूबों के अपने अख्तियारात ख़त्म कर दिए गए थे, तो हम वन यूनिट की पे गुफ्तगू कर चुके हैं। आज हम वन यूनिट से आगे गुफ्तगू करेंगे कि वन यूनिट के बाद क्या हुआ था और किस तरह सिंध की तारीख जो है ना वो क्या हमें बताती है। इसके लिए आज भी हमने जिस मेहमान शख्सियत को यहाँ गुफ्तगू करने के लिए ज़हमत दिए वो है इसहाक सुमरो, जो सीनियर जर्नलिस्ट है। हम अपने स्टूडियो में इसहाक साहब को वेलकम करते हैं। इसहाक साहब, ये पिछले प्रोग्राम में हमने डिस्कस किया था कि वन यूनिट मुल्क में लगाया जाता है, वन यूनिट हो जाता है और एक मशरक़ी पाकिस्तान और एक मगरबी पाकिस्तान दो हिस्सों में मुल्क को एक पॉलिटिकली तकसीम किया जाता है, हुकूमत करने के लिए एक स्ट्रेटजी बनाई जाती है। वन यूनिट 1969 में ख़त्म हो जाता है और उसके बाद यहिया खान आता है, तो फिर यहिया खान की हुकूमत कितना चलती है और उसके बाद क्या होता है सिंध में और पाकिस्तान? शुक्रिया वाजिद साहब, ये सिलसिला फिर हम शुरू करते हैं। और यहिया खान जो है वो उसने सूबों की जो है पिछले वाली जो हैसियत थी उसको बहाल किया, वन यूनिट को ख़त्म किया और उन्होंने कहा कि अभी हम जो है वो इलेक्शन करवाते हैं। और वो जो इलेक्शन थी वो उसको उन्होंने अनाउंस किया 69 में। नहीं, ये जो वन यूनिट ख़त्म होता है आप क्या समझते हैं, या ये कोई स्ट्रगल की बेस पे हुआ है, एक डिक्टेटर ने मजबूर होकर किया है, क्या ये आप समझते हैं कि बस फिर उन्होंने कहा कि अब हम दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप क्या समझते हैं? नहीं, अभी ये उसमें स्ट्रगल तो थी यकीनन, जो तीन सूबे थे जिसमें सिंध था और उन दोनों में सरहद सूबे जिसे केपी के कहते हैं, और इन सब की तो राय थी कि भाई वो जो है वो वन यूनिट ख़त्म होना चाहिए और सूबों की हैसियत बहाल होनी चाहिए। और ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा नुकसान जो था वो सिंध को होता था ना, सिंध की हैसियत ख़त्म हो गई तो सिंध के लोगों ने या सिंध की जो पॉलिटिकल थी, उन्होंने ज़ाहिर फिर वो उनके साथ जो हमारे इंटेलेक्चुअल थे, अदीब थे, शुरा थे, हमारी जो उस वक्त जितनी छोटी मोटी प्रेस थी उन्होंने वन यूनिट के ख़िलाफ़ जो है ज़ाहिर एक रोल प्ले किया है जो अपनी जगह पर उनकी अहमियत है। वरल वन यूनिट ख़त्म हो जाता है और मुल्क में जो है वो ये कहा जा, यहिया खान ने ये कहा कि भाई हम जो है वो अभी इलेक्शन करा रहे हैं। और वो जो इलेक्शन होती है 1970 में, उस वो पाकिस्तान की हिस्ट्री की मुनफरद और पहली फुली डेमोक्रेटिक इलेक्शन होती है। वो कैसे होती है कि उससे पहले, पाकिस्तान बनने से पहले, या जो भी असम्बलियाँ आई जो वन यूनिट और इस हवाले से 70, तो उनको जो चुनाव होता था मेंबरों का, वो चुनाव जो है वो आम आदमी नहीं करता था ऐसे। जी जी हाँ, और वो चुनाव करता था वो एक मखसूस तबका था, वो करता था। तो इस इलेक्शन में 1970 की जो इलेक्शन थी उसमें ये एक बहुत अच्छी बात ये हुई कि आम आदमी को वोट का हक दिया, वन मैन वन वोट, वन पर्सन वन वोट, को भी वोट उसमें हो। ये कि हाँ बिल्कुल ये था उसमें, यह कहता था 21 साल की उम्र हो, ख्वाह औरत और मर्द हो, उसको वोट का हक होगा। 21 या 18 पहले नहीं, 21 था। अच्छा, 21 था। अच्छा, और उसमें ये था, और फिर उसमें ये भी था कि बैलेट पेपर, फिर उसके बाद जो है उसका निशान, पार्टी का निशान या उस उम्मीदवार का निशान, और उसके बाद फिर जो है वो रबड़ की स्टैम्प जो थी ना, वो भी पहली मरतबा 1970 में इस्तेमाल और उसके बाद अनमिट स्याही जिसे हम जी जी होती है ना, वो भी 1970 में ये चीज़ें आई। तो आप समझें कि ये पाकिस्तान के हिस्ट्री के पहले प्रॉपर इंतखाबात थे। अच्छा, इस इंतखाबात में कौन सी जो सिंध से स्पेशली और बड़ी पार्टी जिन्होंने हिस्सा लिया? हाँ, उसमें थोड़ा हम ये देखेंगे कि वो इलेक्शन जो हुई थी वो मगरबी और मशरकी पाकिस्तान दोनों के बुनियाद पर हुई थी। तो मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान के 313 सीट्स थी नेशनल असम्बली की, फिर सूबों की थी। तो उसमें पार्टियों का जहाँ तक ताल्लुक है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो थी वो बड़ी नहीं, सबसे नहीं बनी थी बड़ी, और मशरकी पाकिस्तान से अवामी लीग जो शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी थी, तो उन्होंने वहाँ मशरकी पाकिस्तान में भरपूर हिस्सा लिया
और यहाँ जो है ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी नहीं, क्योंकि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उससे 3 साल पहले 1967 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बुनियाद रखा था लाहौर में, और वो काफ़ी मकबूल हो गई थी, और पर्टिकुलरली सिंध और पंजाब में जो है वो बड़ी मकबूल पार्टी थी। तो उसने जो है इलेक्शन में हिस्सा लिया, और उसके साथ जो है और भी जमायतें कुछ थी, एक थी मुस्लिम लीग कयूम ग्रुप, और एक थी जमात इस्लामी ने भी हिस्सा लिया, वहाँ से अवामी लीग ने दिया। तो इन पार्टियों ने जो है वो 1970 की इलेक्शन में हिस्सा लिया, और वो इलेक्शंस जो 1970 में हुए वो कौमी असम्बली की जो इलेक्शन होती है वो 7 दिसंबर 1970 में होती है, और 10 दिन के बाद फिर 17 दिसंबर को होती है, 10 दिन का वक्फा था सूबाई रुकन असम्बली। तो उसके जो नताइज आए वो बड़े मकसद है कि सर यहाँ पर मुझे एक सवाल और पूछने दें, और उसके बाद आप नताइज पे ये मुझे बताएं, जब ये 70 के इलेक्शन होते तो सिंध में जो एक एक नेशनलिस्ट का कार्ड है, जो सिंधी नेशनलिस्ट थे, उन उन उनका कोई उनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो सिंध में थे, या उस वक्त अभी नेशनलिज्म इमर्ज नहीं हुआ था सिंध में? नहीं, नेशनलिज्म के बुनियाद पर तो ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिलता है कि वो इलेक्शन जो है वो 70 की लड़ी गई हो सिंध में नेशनलिज्म का। हाँ, ये ज़रूर था कि जीएम सैद कहाँ थे उस वक्त? हाँ, जीएम सैद साहब जो थे वो एक सिंध की पॉलिटिक्स के एक बहुत आम एक हैसियत रखते थे ना, क्योंकि 37 बम्बई से सिंध की अलहदगी, 37 की असम्बली, फिर पाकिस्तान के बनाने में बहुत बड़ा रोल, फिर लोगों को यहाँ दावत देना कि आप आएँ, वो जो हिंदुस्तान से उर्दू स्पीकिंग और ये सारे सिलसिले, तो उसका एक रोल था। फिर वो वनियों के ख़िलाफ़ भी उसका असेंबली में रोल था, और फिर उसकी गिरफ्तारियाँ, वो उसको गिरफ़्तार कर लेते हैं, या उसको उसकी उसने जो जैसा पाकिस्तान कहता था वो नहीं बना, तो जी एम सैद का तो रोल था। भुट्टो साहब ने तो 67 से एक पार्टी बनाई, तो जी एम शाह साहब ने इलेक्शन में हिस्सा खुद ने लिया है सिंध यूनाइटेड फ्रंट के। अच्छा, वो इलेक्शन में कांटेस्ट करते, लेकिन वो एक बंदा था। अच्छा, उसके पीछे लोग नहीं थे। और दिलचस्प बात यह है कि जी एम शाह साहब ने जो इलेक्शन लड़ा है वो सिंध यूनाइटेड फ्रंट से लड़ा है, लेकिन उसके जो सैयद ग्रुप के दूसरे लोग थे उन्होंने वो पार्टी या ग्रुप या वो जो सिंबल था वो नहीं लिया है। अच्छा, हाँ, तो उनकी उन्होंने हिमायत ज़रूर की है या उनका ग्रुप था, लेकिन वो खुद यूनाइटेड फ्रंट से दादू से उन्होंने इस इलेक्शन में। ये सन उस वक्त दादू में होगा ये? हाँ, सन दादू में था बिल्कुल। अच्छा। तो वहाँ की नेशनल असेंबली जो थी वहाँ से वो उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया, और दूसरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, मैंने भी जैसे कहा कि कयूम ग्रुप था, मुस्लिम लीग कयूम ग्रुप था, और वो कयूम ग्रुप ऐसे सिंध से उन्होंने 3-4 जो है वो अपने काफ़ी लोगों को खड़ा किया, लेकिन 2 सीटें जो है वो कयूम ग्रुप को सिंध से भी मिली, और पीपल्स पार्टी को जो सीटें मिली वो 28 सीटें कौमी असम्बली की थी, और सुबह असम्बली की 60 थी सिंध से, तो 28 में से 18 सीटें पीपल्स पार्टी को मिली, और एक सीट पर फिर कराची से वो जो है अपने थे शाहमन नूरानी साहब जिसने जीती थी, तो फिर वो सेनेट में चले गए थे, तो फिर उसकी जो सीट खाली हुई थी पीपल्स पार्टी के नूरुल आरफीन थे वो जीत गए थे, तो 28 में से 19 सीटें जो कौमी असम्बली की थी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीती थी, और नेशनलिस्ट वगैरह ने को भी चीज नहीं जीती थी। जमात इस्लामी को 2 सीटें मिली थी, और अपनी जो है आपके कयूम लीग जो थी, मुस्लिम लीग कयूम जो थी, उसको जो है वो 1 सीट मिली थी सांगढ़ से, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि सांगढ़ से मिली थी अता मोहम्मद मरी, जो शाजिया मरी मैडम शाजिया मरी के वालिद साहब थे, तो वो जीत गए थे। हाँ, वो पुराने पीपल्स पार्टी के फतेहद्दीन शाह जो थे वहाँ सांगढ़ से, उसको उन्होंने हराया और वो वहाँ से। हाँ, उनके वालिद साहब पुराने मुस्लिम लीग की कायदे आजम के कंपेनियन या उनके साथ काम किया, कुछ इस तरह की उसकी शख्सियत मिलती है शाजिया मरी के वालिद साहब। हाँ, वो उनकी फैमिली का भी एक दिलचस्प बड़ा वो है, ये है कि उसके अता मोहम्मद मरी साहब के जो वालिद थे अली मोहम्मद मरी, वो भी असेंबली में रहे, अता मोहम्मद मरी हुए, ये असेंबली पूरी मकसद है कि आप समझें कि पाकिस्तान 1937 से
कि असेंबली से ये खानदान भी पॉलिटिक्स में इन है, ये नहीं है कि शाजिया मरी और इसकी बहन अभी आई कुरतुल मरी जो सेनेटर है तो ये को अभी आई नहीं, ये इनकी बहुत पुरानी हिस्ट्री है और ये इसकी वालदा थी वो भी जो है वो इसमें आई थी, परवीन अताम मरी वो भी सूबा असम्बली की स्पीकर सूबा असम्बली की मेंबर बनी थी। तो सर आप बता रहे थे कि ये जो इलेक्शन हुई इसमें सर्टेन पार्टी स्पेशली 77 वाली पीपल्स पार्टी इसमें सिंध में बल्कि पाकिस्तान में उन्होंने अवामी लीग जो है वो मतलब मशरकी पाकिस्तान में जीती, इसके अलावा और कौन सी पार्टी थी? ये मैं पूछना ये चाहता हूँ कि जो हमारे शहरी इलाके हैं शहर में तो बहुत सारी और भी मतलब एक कौमें रहती हैं ना, जैसे यहाँ पे आप कौम कहें कम्युनिटी कहें वाट एवर, यहाँ पंजाबी भी थे यहाँ पठान भी थे यहाँ जो हमारे उर्दू स्पीकिंग जो बिरादरान आए थे वो भी यहाँ थे, क्या उनकी कोई नुमाइंदगी कर रहा था, उनकी कोई पार्टी थी? अभी हाँ ये जो पहले हम कह रहे उसको किशन आपने कहा किशन के में कॉम्प्रेस पार्टी वगैरह, तो वो मैंने आपको बताया कि सिंध यूनाइटेड फ्रंट जो थी वो उससे जी एम सर साहब वहाँ उनसे लड़े और उसके फिर जो दूसरे इतिहादी थे वो सैयद ग्रुप के या कुछ और जिनकी उन्होंने हिमायत की, और दूसरा ये था कि वो जमात इस्लामी थी और जमात इस्लामी के साथ वो जो मुस्लिम लीग कयूम थी तो फिर वो उनके जो आपने मैंने बताया कि वो शाजिया मरी के वाल साहब से वो जो है कौमी असम्बली के मेंबर सांगड़ से बन के आए, और दूसरी थी महाजर पंजाबी पख्तून मुतहदा महाज, मतलब ये तीनों कम्युनिटीज या तीनों अकवाम साथ हाँ इनको साथ करके इन्होंने जो है वो सक्कर से भी इन्होंने अपने नुमाइंदे खड़े किए, नवाबशाह से किए, हैदराबाद से किए, मीरपुर खास से किए, कराची से किए, तो उनमें से उनको कोई इतनी बड़ी कामयाबी नहीं, एक नवाब मुजफ्फर जो है वो सूबा असम्बली के मेंबर बन के आए थे वो उसके थे, तो ये थी कि यहाँ सिंध में जो रिज़ल्ट आई वो बड़ी आई कि वहाँ पीपल्स पार्टी ने जो है वो 18-19 सीटें ली और किसी सिंध की पार्टी ने नहीं ली, जमात इस्लामी ने कराची से ली या मुस्लिम लीग कुछ आज़ाद लोगों ने जीती सीटें जैसे सखर से अली असर मंगी साहब जीत के गए थे लेकिन वो फिर पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए थे, तो जी एम सैद खुद जो है वो दादू से जब खड़े हुए तो उसका मुकाबला था मलक सिकंदर से, मलक सिकंदर वहाँ के काफ़ी इन्फ्लुएंशियल बंदा था, मलक सिकंदर अच्छा हाँ, असद सिकंदर के वालिद से वालिद से हाँ, तो उससे हुआ, तो उसमें ये सिंध यूनाइटेड फ्रंट से थे वो पीपल्स पार्टी से थे और तीसरे बंदे थे मोहम्मद सालिह शाह तो उसमें जो है वो जीत गए मलक सिकंदर जीत गए और वो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट थे और उन्होंने जो है सिकंदर ने जो 51,373 वोट लिए और दूसरे नंबर पे जो है पी सालिह शाह साहब वो 16,797 वोट लिए और जी एम सैद जो है वो तीसरे नंबर पे आए थे जिन्होंने 10,592 वोट लिए थे। इसका मकसद है कि मलक असद जो थे मलक सिकंदर जो थे वो उससे शिकस्त सालिह मोहम्मद शाह ने खाई थी, जी एम सैद तीसरे नंबर पे आए थे और उसका ये वॉकिंग स्टिक जो है छड़ी वो था निशान था और वो भी हार गए थे, तो ये सिलसिला था कि ये सिंध में जो है वो फिर वो एक ही जी एम सैद बड़ी। हाँ ये ज़रूर है कि 1970 की जो इलेक्शन थी सूबाई या कौमी सतह पर 70 से पहले सिंध के जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस थे जिनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री 1937 या उससे भी पहले बम्बई की आज़ादी या उसके बाद जो पाकिस्तान को बनाना पाकिस्तान के बाद जो सारी असेंबलियाँ आई वन यूनिट वाट एवर जो भी थे उनमें से 1970 में की इलेक्शन में सारे हार गए। अच्छा जो प्रामिनेंट फिगर्स थी प्रामिनेंट हाँ। फिगर थी जुल्फकार अली भुट्टो ने तो 3 साल पहले वो बनाई थी ना पीपल्स पार्टी 1967 में हाँ। वो भी नए थे, उसके वालिद जो है 37 में जब उन्होंने हार गया उससे शेख अब्दुल मजीद सिंधी से तो वो तो चला गया हाँ। वो तो फिर वापस ही नहीं आया, वापस भी पता नहीं कब आया और उसने कोई सियासत को छोड़ा, उसकी वफात शायद 58 में हो गई, लेकिन जी एम सैद अयूब खोड़ो काजी फजल्ला पीर पीर अली मोहम्मद राशती और ये अपने ये जो सारे थे ये सारे हार गए 1970 में
और ये एक बहुत बड़ी मनमकसद तब्दीली थी कि सिंध के लोगों ने वो पुराने सियासतदानों सबको, उसके बाद अभी तक पीपल्स पार्टी चल रही। सर अब मैं आता हूँ कि इसके बाद हम अगर स्पेसिफिक सिंध की बात करें तो उसके बाद सिंध हुकूमत बनती है तो उसके वज़ीर आला कौन, मुमताज़ भुट्टो साहब बनते हैं। ये भी पाकिस्तान की हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा सानहा था कि मशरक़ी पाकिस्तान अलग हो गया और उसमें जो है वो अवामी लीग को जो है हुकूमत बनाने की बात है। उसके बाद उसमें यकीनन मेरी जो है स्टडी है, राय है, और आई एम वेरी मच फर्म दैट कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है वो एक पार्टी थे और उन्होंने वो पता नहीं क्यों उन्होंने मुजीब को या आने में क्या रुकावट उन्होंने भी डाली या वो उसका भी हिस्सा थे। और तो अगर वो चाहते और आप समझते हैं कि ये तो बहुत बड़ी बात आपने कर दी। आप कह रहे हैं कि जो ये जो बांग्लादेश अलग हुआ इसमें आप भुट्टो साहब को समझते हैं कि वो भी एक पार्टी थे, उनकी भी इसमें कंट्रीब्यूशन था या उसको तोड़ने में, पाकिस्तान को तोड़ने में भुट्टो साहब ने अपना किरदार अदा किया। आप ये कह रहे हैं बात बीइंग अ डेमोक्रेटिक तो ये है कि उसने अगर इलेक्शन जीती है और अपनी मेजॉरिटी से जीती है और मेजॉरिटी भी क्या इतनी मेजॉरिटी कि वो 100 और वो जो सीटें वो 2-3 सीटें कम उनकी आई हैं, नहीं तो सारी जीतें उन्होंने सीटें तो जीती है। तो इसमें तो इस्टेब्लिशमेंट का रोल आता है ना। जो पीपल्स पार्टी के लोग हैं वो तो यही कहते हैं कि इसमें भुट्टो का नहीं, क्योंकि बांग्लादेश की जो मतलब पाकिस्तान से उनके साथ जो इख्तलाफ थे वो 1948 से हमने स्टार्ट कर दिए थे, तो उनकी बुनियाद तो हमने पहले ही रख दी थी कि हमने कहा कि हमें आपकी ज़बान कबूल नहीं है, हमें जो है ना वो उर्दू ज़बान चाहिए। तो आप कैसे समझते हैं, और उसके बाद जो दूसरे लोग जो हिस्ट्री बताती है हमें कि हमने उनको एक्सेप्ट नहीं किया, हमने उनकी ना सिर्फ ज़बान एक्सेप्ट की लेकिन उनके ऑफिशियल्स हमने एक्सेप्ट नहीं किया, आर्मी को हमने उनकी एक्सेप्ट नहीं किया, उनको हम रिडिक्यूल करते रहे, तो इस हालात को आप किस तरह देखते हैं? वो तो भुट्टो साहब ने नहीं बनाए होंगे ना। नहीं, वो सारी चीज़ें अपनी जगह पे हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि एक पार्टी जो वाज़ अक्सरियत से जीत के आती है तो भुट्टो साहब का भी ये फ़र्ज़ बनता था, तो वो पहले दिन कहते कि भाई हम जो है वो मुजीब को बनाने के लिए हम राजी। अगर इस्टेब्लिशमेंट का जोर था या किसी का भी जोर था तो भुट्टो को वाजे होना चाहिए था, मेरी अपनी जाती राय है। तो भुट्टो साहब आप कह रहे हैं कि वो इतने क्लियर नहीं थे, भुट्टो साहब ने कहा कि बस कई दफ़ा हम या उसको, कुछ इस तरह की बात, उसको मकसद है कि वो जब नहीं इतनी उनको सीटें थी तो वो उसको अपना क्लियर स्टैंड लेना चाहिए था तो हम ये मुल्क नहीं टूटता। अच्छा, आप ये नहीं कहता कि भुट्टो का भी कोई मुल्क तोड़ने में कोई था, लेकिन आप ये जरूर कह रहे हैं सर। हाँ, मैं ये जरूर कहूँगा बींग स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स के स्टूडेंट के हवाले से, कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को उन दिनों में खुली तौर पे वाज़े तौर पे ये कहना चाहिए था कि भाई हमें उनको इक्तदार मिलना चाहिए, मुजीब का हक जो उन्होंने नहीं किया। हाँ, वो तो इससे तो इससे तो ये लगता है, इससे तो सर आप बिल्कुल क्लियरली कह रहे हैं, क्लियर एंड वेवली कह रहे हैं कि भुट्टो साहब इज़ वन ऑफ द पॉलिटिशियंस जिन्होंने इसको सपोर्ट किया कि ये अगर पाकिस्तान अगर टूट गया तो ये पॉलिटिकली उसको फ़ायदा होगा और वो हुक्मरान बन जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, ये टूटने से फ़ायदा की मेरे ख्याल में ये नहीं थी। नहीं तो क्या आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये देखें ना, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस पहली मरतबा मुल्क में ना आया है और वाज़े अक्सरियत से वो जीत के आई है, अवामी जीत के आई है, तो भाई जो उनको आप हुकूमत दो ना, अगर आपने मैं नहीं, यही कह रहा हूँ ना, मैं यही कह रहा हूँ कि उसको ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो इस तरफ से आए थे तो वो समझ, भुट्टो साहब ने उनको ऑफर नहीं की, भुट्टो साहब को ऑफर करना की बात नहीं थी, भुट्टो साहब को क्योंकि वो ऑफर क्या, ये तो क्लियर है कि भाई जिसकी भी जितनी सीटें ज़्यादा आएंगी तो आप पहला हक तो उनका है, उन्हीं का है ना। और भुट्टो साहब एक बड़े ज़हीन सियासतदान थे, उन्होंने इतने बड़े बड़े पॉलिटिकली फैसले किए, अगर वो चाहते, अगर भुट्टो साहब चाहते तो शायद ये मामला बन सकता था। बिल्कुल, ये बात तो आप मान रहे हैं ना। मैं ये कहता हूँ कि अगर भुट्टो साहब चाहते थे या उसकी पार्टी चाहती तो वो उसमें शायद ये मुल्क नहीं टूटता, ये साना नहीं होता। हाँ, ये मकसद है कि ये इससे ये अभी तो तारीख क्या फैसला करती है, लेकिन भुट्टो को हम इससे से मेरी अपनी जाती राय के मुताबिक भुट्टो को बरी वाली जमा नहीं करा सकते, नहीं करा सकते। यही मैं पूछना चाहता हूँ, और मैं समझता हूँ कि ये भी एक पोलिटिकल ब्लंडर था। अगर शायद बांग्लादेश हमारे साथ होता तो आज जिस तरह हम देखते हैं कि सिंध के
लोग या छोटे सूबे, जिस तरह हम समझते हैं कि पंजाब का जो पॉलिटिकल तसल्लुत है हमारे ऊपर, शायद ये भी नहीं होता, क्योंकि मेजॉरिटी में बांग्लादेश होता और जब बांग्लादेश मेजॉरिटी में था तो शायद हमारी ये सूरत हाल नहीं होती जो आज है। पंजाब का जो तसल्लुत जो हमारे पूरे सूबों में, जिस तरह कहा जाता है, जैसे आज सिंध के लोग भी आवाज़ उठाते हैं तो बलूचिस्तान में भी, तो आजकल केपीके वाले भी कह रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं अगर बांग्लादेश हमारे साथ होता तो शायद ये सूरत हाल नहीं होती? हाँ ये तो है, लेकिन यार ये बाजे साहब एक चीज़ अपनी जगह पे तो है कि एक मुल्क जो है पाकिस्तान, उसका एक हिस्सा यहाँ है और एक हिस्सा जो है 1000 मील के फासले के बाद है। ये भी बड़ी अजीब किस्म की जो है वो हुई थी आज़ादी, लेकिन उन्होंने मांगा पाकिस्तान में, जैसे अभी जरदारी साहब ने कहा कि जो सबसे बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था उर्सन के बांग्लादेश, इसका मतलब है उनका एक कंट्रीब्यूशन था, जिस मुल्क को उन्होंने बनाया वो तो नहीं चाह रहे थे ना ये टूट जाए। मकसद है कि वो तो ठीक है नहीं चाह रहे थे, लेकिन फिर सब ने उसका वो जो है वो भुगता भी सही। ये भी चीज़ें हैं अपनी जगह पे। तो कहने का मकसद है कि जब 70 इलेक्शन के बाद जो है, 70 इलेक्शन में एक दो और चीज़ें भी बड़ी अच्छी हुई हैं, जो मकसद है कि ये भुट्टो के लिए कहा जाता है कि 70 इलेक्शन में भुट्टो ने जो है वर्करों की सीटें दी, ये जी मुझे नज़र नहीं आ रही। अच्छा, उसमें भी वो इलीट क्लास सो कॉल्ड। हाँ देखिए ना, आप नेशनल असेंबली को लें, मुझे नेशनल असेंबली की सीटों में से पीपल्स पार्टी ने 28 सीटें जो थी नेशनल असेंबली की सिंध से, उसमें से 25 पे आदमी खड़े किए थे, अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, जिसमें से इन्होंने 18 जीती, एक फिर वो ज़मीनी इलेक्शन में जीते हैं। उसमें मुझे तो कोई ऐसा बंदा कोई, अगर इसको हम कंपेयर करें आज जल्दारी की पीपल्स पार्टी या इवन मोहतरमा शहीद की पीपल्स पार्टी और भुट्टो साहब की पीपल्स पार्टी, तो क्या इन लोगों ने जो हमारे छोटा क्लास है, जो छोटे पीपल्स पार्टी जो लोग हैं सिंध के या पूरे पाकिस्तान के, उनको उन्होंने सीटें दी थी या इसकी पहल पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दी? आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखिए ना, तब्दीली या मिडिल क्लास का पॉलिटिक्स में आना, ये तो एक मकसद है कि इसे आप, ये आना था, ये हकीकत थी। तो जाहिर आप देखें 70 के बाद जो 50 साल तकरीबन हो गए हैं, तो 50 साल में यकीनन पार्टी ने भी मिडिल क्लास को या कुछ लोगों को सीटें दी हैं, ये तो होना था ना। हर वक्त तो जागीरदारी और ये तो नहीं रहेगा ना। आज के 30 साल के बाद भुट्टो साहब ने अपने भुट्टो साहब के 70 में के लिए, हाँ भुट्टो साहब ने जब सेनेट बनाई तो सेनेट में भुट्टो साहब ने जो है वो कुछ लोगों को सिंध से, जो वर्कर क्लास के लोग थे, मिडिल क्लास के लोग थे, उनको सीटें दी। फॉर एग्ज़ाम्पल, खैरपुर के गदेची एक टाउन है, उसे जो है ग़ुलाम रसूल सिद्दीकी साहब को इन्होंने सेनेटर बनाया और वो जो है वो बहुत एक 1920 में उसकी पैदाइश होती है, फिर वो बम्बई से पढ़ता है, वकील है, एक एब्रोई के साथ पॉलिटिक्स करता है। उस वक्त सेनेट होती है कि 70 सेनेट जब आई, जैसे ही आई तो भुट्टो साहब खैरपुर में आते हैं, फिर वो उसके पीपल्स पार्टी में वो शामिल होते हैं अपने ग़ुलाम रसूल सिद्दीकी साहब, और उसके बाद भुट्टो साहब उसको प्रेसिडेंट ऑफ करते हैं, खैरपुर का डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट करते हैं, फिर उसको सेनेटर बनाते हैं, या फिर वो अपना दादू से एक वकील था सलेमान समेजो साहब से, उसको उन्होंने सेनेटर बना दिया, या रफ़ी रज़ा एक इसका था दोस्त था, जिसके लिए कहा जाता था ये भुट्टो का हेनरी किसिंजर है, उसने अच्छा। भुट्टो साहब की किताब भी लिखी है अच्छा। या उसके बाद आपकी वो जो है, लेकिन भुट्टो साहब ने, पीपल्स पार्टी ने जो है गुलाम उमर जैसे बंदे को, एक जागीरदार को भी सेनेटर बना दिया। हाँ ऐसे लोग तो उन्होंने बिल्कुल वो हाँ। इसीलिए तो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी वडोरों की एक रिप्रेजेंटेशन है। इसके अलावा सर, आप जो स्पेशली जो भुट्टो साहब ने जो एक चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर का जो अहदा उन्होंने एक्सेप्ट किया, तो हालांकि वो एक सिविलियन था, इसको आप किस तरह देखते हैं कि ये, इसको आप समझते हैं कि ये उसका सही फैसला था? यार ये तो अजीब था कि भाई एक बंदे को आप प्रेसिडेंट भी बना रहे हो और सिविलियन बंदे को चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर, ये बड़ा एक ख्वाब एक अलामती था, लेकिन फिर भी भुट्टो जैसे आदमी को ये नहीं लेना चाहिए था, या वो उसको मकसद है कि ये क्या कैसे हुआ क्यों हुआ। लेकिन मैं अगेन आई विल से, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर, एक सिविलियन बंदे को आप बनाते हो और वो एक बड़ा पढ़ा लिखा बंदा,
और एक पॉपुलर बंदा, एक वो भी कहता है इतना बड़ा लीडर है, आज भी उसके जो अपोनेंट है वो कहते हैं कि भुट्टो भी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की गमले में पला है। अब आई डोंट नो, लेकिन वो जब इल्ज़ाम लगाते हैं उसके पीछे जाहिर सी बात है कोई ना कोई इस तरह का बैकग्राउंड तो होगा ना। यकीनन देखिए ना, एस्टेब्लिशमेंट ये है कि भुट्टो जो है वो जब फॉरेन से पढ़ के आते हैं तो फिर उसको, वो एक ब्रिलियंट बंदा तो था, बहुत जहीन होशियार आदमी था, ऑरेटर था, उसकी ज़बरदस्त स्पीच यूएनओ में, ये सारी चीज़ें थी। तो ये फिर उनकी एस्टेब्लिशमेंट या उन दिनों की जो हुकूमतें थी उनका वो उनकी ज़रूरत बन गया ना, तो फिर उसको ऑफ़र हुई कि आप वज़ीर सनत तजारत बन जाएँ, फिर उसके बाद वज़ीर खारजा बन गया, तो ये सारी चीज़ें थी। तो फिर वो उन दिनों के वो जो सेटअप था, वो आर्मी भी थी, वो जो वो जनरल अयूब खान था उसके साथ रहा, फिर ये सारी थी। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये एक ख्वाब अलामती किस्म का एक था चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर, लेकिन ये इसको नहीं लेना चाहिए, ये इसके वो उस पर है कि क्यों बना। अच्छा सर, हम आते हैं सिंध के कॉन्टेस्ट में बात करते हैं। जैसे हम बात कर रहे थे तो यहाँ पे हुकूमत सिंध की बनती है, जो इलेक्शन होते हैं 70 के बाद उसमें जो है ना सिंध में इलेक्शन, सिंध में हुकूमत बनती है, उसमें कौन कौन से हुक्मरान बनते हैं, मतलब वज़ीर आला कौन बनते हैं? हाँ, सिंध के वज़ीर आला वो जो है पहले सिंध के वज़ीर आला मुमताज़ अली भुट्टो बनते हैं, जो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के कज़न है, और उसको भुट्टो साहब कहते थे कि भाई टैलेंटेड कज़न, इज़ माई टैलेंटेड कज़न, उसको बनाया। फिर वो जो ज़बान के फसादात हुए, लैंग्वेज राइट्स हुए कराची हैदराबाद मुख्तल, उस वजह से फिर वो मुमताज़ अली भुट्टो को इन्होंने फारिग किया और गुलाम सवाद जतवी। अच्छा, इसकी वजह सिर्फ यही थी जब ये लैंग्वेज के या लिंगुअल जो वायलेंस या राइट्स, तकरीबन ये थे कि मुमताज़ भुट्टो के खिलाफ, मुमताज भुट्टो ने क्या कहा था लैंग्वेज के, एक्चुअली उन्होंने असेंबली से कोई इलीगल डिमांड की थी? नहीं, असेंबली से बिल पास हुआ था, और यकीनन सिंध असेंबली में जो अक्सरियत थी वो पीपल्स पार्टी की थी और सिंधी बोलने वालों की थी, उन्होंने कहा कि भाई कंपलसरी लैंग्वेज करते हैं, हर आदमी जो भी है वो पढ़ेगा। इसमें क्या एतराज़ होना चाहिए इसमें? बस वो उर्दू बोलने वालों ने उसको अपने लिए सही नहीं समझा और उन्होंने रेजिस्ट किया, फसादात हुए, लोग मरे, तभी ये आया कि अब उर्दू का जनाजा आराम से निकलेगा। हाँ, वो रईस अमरोही ने वो शेर भी कहा था और फिर वो उसमें था अपना यंग अखबार में छपा था। तो कहने का मकसद है कि फिर वो मुमताज़ अली भुट्टो को फारिग करके गुलाम साद जतोई को उन्होंने रखा, फिर वो। हाँ, ये ज़रूर हुआ है कि सिंध की पॉलिटिकल और सोशल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री में कि पीपल्स पार्टी के किरदार में आने से, और पीपल्स पार्टी और ज़ाहिर है वो सिंधियों की, सिंध के लोगों की, सिंधियों की भी आप कह सकते हैं कि पहली हुकूमत बनती है, सूबे में भी बनती है और मरकज़ में भी एक सिंधी वज़ीर आज़म बनता है, तो लोगों का जो है वो फिर शहरों में आना, नौकरियों में आना, मुल्क से बाहर मिडिल ईस्ट वगैरह में जाना करना, तो ये, और फिर इदारे कायम किए ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, सिंध का वज़ीर आला गुलाम साद जतोई था, लड़कियों का पीपल्स मेडिकल कॉलेज, कुछ रेडियो स्टेशन बनी, कॉलेजेस बने, रोड बने, रस्से बने, दादू मोरो पुल जो थी वो थी, डेवलपमेंट के काम बहुत कम्पटिशन उसकी, तो इससे जो है आप कह सकते हैं कि 70 से लेकर 76-77 तक जो है वो सिंध के लोगों के, और सिंध के वो लोग जो बड़े शहरों में नहीं थे, छोटे शहरों में रहते थे, तो वो जो है वो पहली मरतबा वो शहरों तक आए और उनमें एक एहसास पैदा हुआ कि भाई हम, तो उनकी डेवलपमेंट में ये जो यस हैं इनकी बड़ी वो जो है अपनी हैसियत है कि उन्होंने तारीखी हैसियत है। हाँ, ये समझो कि उनके लिए एक तारीखी मौका मिला और उनसे, और फिर वो भुट्टो ने लोगों को बाहर भी भेजा बहुत सारे, बिल्कुल मिडिल ईस्ट और दोनों। अच्छा सर, भुट्टो साहब की वैसे तो बहुत सारे काम हैं, पॉलिटिकली हम उस पर तनकीद भी कर सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकली उसकी बड़ी अचीवमेंट्स है, उसकी एक बहुत बड़ी वन ऑफ द अचीवमेंट्स 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है जो उन्होंने बनाया, तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को आप किस तरह देखते हैं कि मतलब अगर आप इसकी कंट्री, अगर ये कैसे बना पाकिस्तान जैसा ऐसा मुल्क जहाँ पे इतनी पोलराइजेशन हो, मुलायत हो और इस्टेब्लिशमेंट का भी एक रोल जो शुरू से चलता हुआ आ रहा हो, तो इस कंट्रीब्यूशन को और इस आयन को बनना इतने दिनों के बाद, इंडिया ने पहले बना दिया, हमने इतने सालों के बाद पहला कानून, वो भी इस्लामिक कानून। ये बात तो अपनी जगह पे है कि मुल्क आज़ाद होता है 47 के बाद से लेके 70 तक जो है वो हमारे यहाँ
असेंबलियाँ टूटती रहीं, बनती रहीं, मार्शल आज आते रहे और अनडेमोक्रेटिक फैसले भी होते रहे और अनडेमोक्रेटिक हुकूमतें भी आती रहीं। तो उनके बाद जो 73 में समझो कि एक मुल्क के टूटने के बाद एक हिस्सा तो चला जाए, फिर अभी जो मगरबी पाकिस्तान वाला हिस्सा बनता है, तो उसको इंटेक्ट रखने के लिए और ये 73 का कॉन्स्टिट्यूशन है जिस पे आज भी हमारी मुल्क जी सारी चीज़ें हैं उस पर चलती हैं, हाउस में जो है अमेंडमेंट्स अमेंडमेंट तो, लेकिन ये अपनी जगह पे उस दौर का एक कारनामा था। हाँ, ये ज़रूर है कि उस में जो सुबहों को चीज़ें मिलनी चाहिए थी कंकरेंट लिस्ट वो हमें नहीं मिली, लेकिन उसमें ये कहा गया था कि इनको हम 10 साल के बाद रिवाइज करेंगे, लेकिन वो हमें मौका ही नहीं मिला। तो कहने का मकसद है कि उससे पहली वाली हिस्ट्री में आइनों का बनना तोड़ना और अब उसमें जो तरमीमें करना वो अपने वो जो एक क्लास करता था एस्टेब्लिश प्रो एस्टेब्लिशमेंट सारे करते थे, तो अवामी नुमाइंदों का ये पाकिस्तान का पहला आइन था 1973 का जिसपे तकरीबन सब पार्टियों ने साइन की और उन्होंने कहा कि ठीक है ये सही हम इस पर गए। तो ये एक अपनी जगह पे एक बड़ी कंट्रीब्यूशन थी जिसमें पीपल्स पर सब ने साइन की। फिर उसमें एग्रीकल्चर इस्लाहात ज़रई इस्लाहात जिसे कहते हैं वो आए, उस वो कानून का हिस्सा बने। तो इनको हम ये नहीं कहते, हाँ ये है अपनी जगह पे कि वो वहाँ सूबों को जितने अख्तियार देने चाहिए थे या वो नहीं थे उसमें, लेकिन ये भी देखें कि 10 साल के बाद उसमें जो रिवाइज होना था वो नहीं हुआ, तो वो 10 साल आपको रखना ही नहीं दिया, तो हाँ। उसके हाँ तो ये चीज़ें अपनी जगह पे आप जो है कह सकते हैं कि हुई। अच्छा सर, उसके बाद ये टेन्योर ख़त्म होता है भुट्टो साहब का, फिर जाके आगे 77 में दोबारा एक इलेक्शन होती है। तो अभी इसमें भी ये है कि भुट्टो साहब जो थे वो उसकी पीपल्स पार्टी जा रहे काम कर रही थी, वो अर्ली इलेक्शन होता है थोड़ा सा, तो उसमें अगली ये होती है कि जो हमने पढ़ा है मैंने, तो भुट्टो साहब को वो जो है वो कहते हैं कि भाई आप इतने मकबूल हैं और आपकी पार्टी जीत जाएगी, आप जो है वो पहले भली इलेक्शन करा लें, कोई मसला नहीं है। तो भुट्टो ने टाइम से पहले इलेक्शन का ऐलान कर दिया, तो वो जो इलेक्शन का ऐलान हुआ तो उसके बाद जो है वो इलेक्शन की तैयारियां सारी चीज़ें हो गई। तो एक तरफ पीपल्स पार्टी थी, फिर एक पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ जो है एक इतिहाद बना था, तो उसमें ये था कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी और एक दादा पाकिस्तान कौमी इतिहाद PNA जिसे, उसमें 9 जमायतें थीं और उसमें अक्सर जो जमायतें थीं उसमें मजहबी थीं, लेकिन वली खान भी था, असगर खान भी था, तहरीक इस्तिक़लाल भी थी और सारे ये उसमें शामिल थे, इवन पीर पागारो भी था। तो इन्होंने जो है वो 77 की इलेक्शन में कॉन्टेस्ट किया और उस इलेक्शन की जो कौमी असम्बली की सीटें कौमी असम्बली के इंतखाब जो हुए उस उन कौमी असम्बली के इंतखाबात में सिंध से 13 कौमी असम्बली के जो है मेंबरों को अनपोस्ट जो है करवाया गया। ये इसहाक साहब बड़ी दिलचस्प बात कर रहे हैं, हम इसको कंटिन्यू हम अपने एक नेक्स्ट प्रोग्राम करेंगे। नाज़रीन, आज का हमारा प्रोग्राम ख़त्म हुआ, हम इसको कंटिन्यू अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में करेंगे। आज हमने इसहाक साहब को मदऊ किया था कि वो हमें बताएं जो रिमेनिंग हिस्ट्री थी, पॉलिटिकल हिस्ट्री थी, उस पर हमने बात की। तो इसका जो नेक्स्ट प्रोग्राम होगा होपफुली आप इसको फॉलो कर रहे होंगे, हमारे कोई 5-7 प्रोग्राम जो हम पॉलिटिकल सिंध की पॉलिटिकल हिस्ट्री पे करेंगे, सिंध की तारीख पे करेंगे, होप के आप देख रहे होंगे। और हम आपसे भी तवक्को करते हैं कि आप हमारे जो ईमेल्स वगैरह आपको नीचे मिल रही होगी तो उस पर आप अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिए, जिससे हम इसमें आप अपने सवालात भी दे सकते हैं कि हम वो सवालात भी रेज कर सकें। तो आज के प्रोग्राम के लिए हमें इजाज़त दीजिए, हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम हम नेक्स्ट वीक जो है वो करेंगे। शुक्रिया।